कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट सर। नमस्कार जी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रही है। एक फिल्म बनी है कश्मीर फाइल्स, और अपना चैनल जम्मू कश्मीर नाउ, ये तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर जो हमारा प्रांत है उसके जो भी उसके साथ संबंधित घटनाक्रम है उसके ऊपर रिपोर्टिंग तो करता ही है, और नोट ये विषय पे जो कश्मीर फाइल जो पूरी जिसकी पूरी पटकथा ही कश्मीर के ऊपर आधारित है उसके ऊपर बात करना जो है वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। और एक बात मैं इस संदर्भ में मैं ये फिल्म के ऊपर चर्चा करूं उससे पहले कहना चाहता हूं कि सत्य जो है उसको यदि नजरअंदाज किया जाए तो कोई भी समाज जो है या कोई भी संस्कृति है वो आगे नहीं बढ़ सकती। और जिस तरह से कहते हैं कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आ रही है उसको देख करके आंखें बंद कर लेना उससे मुसीबत टलती नहीं है, मुसीबत का डट करके सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से एक कुछ ऐसी आदत अपने यहाँ पर भारत में कुछ लोगों ने बना ली है कि जो घटनाएं सत्य हुई उनको भी इस प्रकार से मीडिया के ऊपर कब्जा करके और लोगों तक तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और आज सौभाग्य से यहाँ पर सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया, उसके माध्यम से लोग जो हैं वो जान पाते हैं कि क्या चीज़ है हमारे भारत के हमारे राष्ट्र के हित में है और कौन सी अहित में है। अभी अपने विवेक अग्निहोत्री जी बहुत ही जो है प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, उन्होंने जो पहले भी अपनी कुछ फिल्में बनाई हैं वो बहुत ही बढ़िया जो है, अभी जो बीच में उनकी एक लास्ट ताशकंद फाइल जो रिलीज हुई थी उसमें उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनका ताशकंद में किस प्रकार से देहांत हुआ तो उसके बारे में उन्होंने जितने भी तथ्य इकट्ठे कर सकते थे, तथ्यात्मक फिल्म बनाते हैं वो, और उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। उससे पहले भी जिन्होंने जितना भी काम किया उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया। अब जो उनकी 11 तारीख को फिल्म रिलीज होने वाली है वो है कश्मीर फाइल्स, और जो एक नेक्सस है भारत में लेफ्टिस्ट का और उनके साथ में कुछ अलग अलग जो देश विरोधी तत्व मिल जाते हैं, उन्होंने पहले से ही ये योजना बना ली कि किस प्रकार से ये फिल्म को जो है वो लोग देखने ना जाएं। एक उसमें मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि एक शो चलता है अपने यहाँ पर कपिल शर्मा शो। अब उस कपिल शर्मा शो में एक परंपरा बन गई कि जो नई फिल्म आने वाली होती है उसकी स्टार कास्ट को वहां पर बुलाया जाता है और उनको बुला करके एक जो है लोगों के साथ में वो थोड़ा बहुत फिल्मों उस आने वाली फिल्म के बारे में चर्चा होती है, किसकी क्या भूमिका उसके बारे में चर्चा होती है। एक प्रकार से ये जो है वो फिल्म की जो है प्रोपोगंडा, फिल्म की पब्लिसिटी उसका उसके द्वारा शो के द्वारा ये होती है। और ये जो कश्मीर फाइल आने वाली थी, भारत का हर बच्चा इसको देखे उसके लिए ऐसा जो सोशल मीडिया से अपने पास में सूचना आई है, जो एग्जैक्टली क्या हुआ होगा उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, वो ये आई है कि कपिल शर्मा शो के ऊपर उस शो के निर्माताओं ने या उस शो के जो संयोजक हैं उन्होंने इस फिल्म के बारे में चर्चा करना या इसकी स्टार कास्ट को बुलाने से मना कर दिया। तो एक बात तो पक्की है जिसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, इफेक्ट तो दिख गया कि उन्होंने वहां पर शो में उसको मना किया दिखाया नहीं, लेकिन इसका कॉज क्या है वो जानने का प्रयत्न करेंगे तो वही लगभग हमें दिखता है पिछले जो कई सालों से हो रहा है कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर अपना शिकंजा कस रखा है, जिनके एजेंडा को ये सूट नहीं करता कि राष्ट्रवादी विचार के ऊपर आधारित कोई फिल्म बने, उन लोगों ने जो है इस शो के निर्माताओं को इस फिल्म की स्टार कास्ट को बुलाने से मना किया होगा, ऐसा
अनुमान लगाया जा सकता है। अब हुआ क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में जब तक सामने में बात नहीं आएगी नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने बताया कि जब कोई चीज प्रभाव दिखता है उसके पीछे उसके कारण क्या होते हैं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है। अब बात आ जाती है कि क्या कारण है कि बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है इस फिल्म की पटकथा को लेकर। दुनिया में बात आती है, हम सब जगह बात करते हैं सत्यता की, मोरालिटी की, नैतिकता की। तो मित्रों जो समाज अपने साथ में उसके ऊपर अगर कहीं पर अत्याचार हुआ है उस सत्य को जितनी ताकत से स्थापित करता है वो सत्य उतने ही उजागर होकर के लोगों के सामने जाता है। हमारे सामने एक उदाहरण है यहूदियों का, ज्यूज का। ज्यूज ने वो उनके ऊपर बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनके जो हॉलोकास्ट हुआ था जो ऑशविट्ज़ कैंप में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हिटलर के समय अत्याचार हुआ था और बाकी भी पूरे द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जहाँ जहाँ यहूदी मिले उसको हिटलर ने और फासिस्टों ने उनको मारा। यह बहुत ही मानव इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उस घटना के परिणाम में आज कहीं पर भी कोई एक शब्द जो है वो पूरी दुनिया में कहने की ताकत नहीं रखता यहूदियों के विरोध में। हर जगह के ऊपर जहां भी थोड़ी बात भी कहीं पर ये अपना बोलने की स्वतंत्रता के नाम से या और राजनीतिक कारणों के नाम से ज्यूज के विरोध में आती है उसी वक्त उसके ऊपर एंटी सेमिटिसिज्म का ठप्पा लगा दिया जाता है। कारण क्या कि उस समाज ने बड़ी ताकत से बड़ी शक्ति से बड़ी जो है वो प्रभावशाली ढंग से उन्होंने इस बात को जो है पूरी दुनिया के ऊपर उनके ऊपर जो अत्याचार हुए थे दिखाए थे। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर जो इस प्रकार से इतिहास में अत्याचारों की एक श्रृंखला चली और जब चली जब हम प्रतंत्र से तब हुए तो तब हुए, लेकिन ऐसे स्वतंत्र होने के बाद में आज हमारे भारत के अंदर भारत के ही निवासी भारत के एक प्रांत के निवासी उनको एक शरणार्थियों का दर्जा दे दिया जाए और वो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। और यदि उसका कोई विरोध करता है उसको आज उसके ऊपर कोई फिल्म बनती है उस फिल्म का कोई विरोध करता है तो मैं कहता हूं उस फिल्म का विरोध करने वाले को सामने से हम कहेंगे कि ये बंदा आदमी जो है ये एंटी नेशनल आदमी है। भारत के अंदर भारत का 5 लाख हिंदू जो है जम्मू कश्मीर प्रांत का उसको वहां से निकाल दिया जाए और उसके ऊपर बात भी ना कर सके, उसके ऊपर बात होती है तो उसको उसके ऊपर अगर आज फिल्म बन रही है तो उस फिल्म का जो है विरोध होना शुरू हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल भी हमें स्वीकार नहीं है। और मैं मेरी बात पूरी करूं उससे पहले मैं आग्रह करूंगा 11 मार्च को यह फिल्म जब सिनेमा हॉल में दिखाई जाएगी तो हर बच्चे को हर भारतीय को जाकर के फिल्म देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि वो हुआ क्या था 1989 के दरमियान में 1990 के दरमियान में हमारे हिंदू भाइयों पे जब उनको इस बात में मजबूर कर दिया गया था कि अपने ही देश में उस स्थान को छोड़कर आ जाएं जिस स्थान की सभ्यता विकास करने में 10,000 साल से उनके पूर्वजों का हाथ रहा, जो जहां की मिट्टी आज भी बोलती है, जहां एक एक स्थान आज बोलता है कि वहां की सभ्यता जो बनाने वाले थे वहां के जो हिंदू कश्मीरी हिंदू थे उन्होंने उसका विकास किया, वहां की भाषा है, वहां का खान पान है, वहां का पहनने का है, वहां का गीत संगीत है, वहां की मारतंड की भूमि यहाँ पर यासपुरा है, शंकराचार्य है, वहां पर अनंतनाग की भूमि बोलती है, वहां पर खीर बोनी बोलता है कि आज जिन्होंने उस सभ्यता का विकास किया था उनको वहां से जो है जबरदस्ती निकाल दिया गया तो थोड़ा क्या घटनाक्रम क्या बना उस वक्त 1989 में जो अपने 4-5 लाख हिंदू भाई कश्मीर घाटी में थे उनके ऊपर मैं इस बात का अनुमान लगा सकता हूं क्योंकि फिल्म में भी रिलीज हुई नहीं है तो फिल्म में विवेक जी ने पूरा इस विषय को पूरी तरह से ईमानदारी से आगे रखा होगा कि अपने 14 सितंबर 1989 को टीकालाल टपलू उनकी यहां पर नृशंस हत्या कर दी गई श्रीनगर सिटी के बीच में। यहां से पूरा जो है डराना टेररिज्म के हिंदुओं को एक संदेश दे दिया गया कि यदि तुम
घाटी छोड़ करके नहीं जाओगे तो जो टीका लाल जी का हाल हुआ है वैसा ही हाल जो है आपका यहाँ पर किया जाएगा। वहां के जज थे श्रीनगर में नीलकंठ गंजू जी, उनकी नरसंहार हत्या वहां पर कर दी जाती है। 13 फरवरी 1990 को लासा कॉल जो कश्मीर दूरदर्शन केंद्र के वहां के जो प्रधान थे उनकी नरसंहार हत्या वहां पर कर दी जाती है। एक जब वहां से कश्मीर से पलायन हो गया हिंदुओं का तो एक महिला गिरिजा टिकू ये वहां से जब बाकी सब हिंदू भाई आकर जम्मू शरणार्थी कैंपों में रुक गए तो वहां पर उसने वो भी बेचारी वहां आ गई, वो वहां पर अध्यापिका थी श्रीनगर के पास में। उसको वहां से मैसेज आता है कि आप यहाँ आओ कश्मीर में अपना वैली में, आपका जो बैलेंस आपकी जो तनख्वाह थी वो आप लेके जाइए। और ये बेचारी जम्मू से वापस जाती है और किस प्रकार से षड्यंत्र से उसको बुलाया गया और उसको उसके घर से अगवा करके उसका उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में लकड़ी काटने के आरे से उसका शरीर दो हिस्सों में करके उसके शव को वहां पर जो है वो फेंक दिया गया। इससे बड़ा अमानवीय अत्याचार हिंदुओं के ऊपर वहां पर क्या हो सकता है। आज ये बातें जो है कहीं ना कहीं हमने सुनी होंगी पढ़ी होंगी लेकिन इनका पूरी तरह से जो चित्रीकरण है वो यदि किसी फिल्म में हो रहा है तो हम सबको जाकर के वो देखना पड़ेगा। हम मैंने अभी कुछ जो इस फिल्म के ट्रेलर्स आए हैं वो ट्रेलर्स मैंने देखे और कुछ जो दिल्ली में एक इन्होंने कार्यक्रम करके विवेक जी ने वहाँ पर इसका एक जो प्रीमियर टाइप का कुछ उन्होंने वहाँ पर दिखाया था तो जो मेरे कश्मीरी बहन भाई वो देखने आए थे कोई एक भी उसमें नहीं था जो आंसू जिसकी आंखों में ना हो, जो रो ना रहा हो। तो सबको याद था कि उनके साथ में आज से 1989 में जो 33 साल पहले उनके साथ में वहां पर क्या हुआ था जिसने मजबूर किया था उनको अपनी प्यारी धरती को छोड़ने के लिए। तो ये सारी बातें जो हैं ये अपने को जब तक इनका पहला कोई भी बात अगर समाज के साथ में गलत होती है उसको समझना पड़ता है, सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करना पड़ता है और उसके बाद में उसकी वो बातें अपने साथ में भविष्य में ना हो उसके लिए पूरी एक क्रियान्वयन की योजना बनानी पड़ती है। मैं मानता हूँ इसमें इस सारी चीज़ में जो है वो एक सिनेमा बहुत बड़ा एक माध्यम है जो कम समय में 1.5-2 घंटे में पूरा घटनाक्रम है। अगर वो फिल्म बहुत ईमानदारी से बनाई गई हो कोई भी तो वो पूरी बात जो है अपने दर्शकों के सामने ले आता है। तो जिस प्रकार के मैंने ट्रेलर देखे हैं इसके मुझे लग रहा है और जिस प्रकार से अनुपम खेर जी ने उसमें पुष्कर नाथ की भूमिका निभाई है ट्रेलर्स के माध्यम से मैंने जो जाना है तो मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने वो आज से 33 साल और 32 साल पहले जो हुआ वहाँ का नृशंस घटनाक्रम था वो सामने आ जाएगा। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मेरी बातचीत हुई जगमोहन मल्होत्रा जी जो उस समय वहाँ पर गवर्नर थे, मैंने जगमोहन जी को एक प्रश्न किया था। मैंने कहा जगमोहन जी जनवरी 1990 में जब वहाँ से एक साथ में हमारे कश्मीरी भाई हिंदू निकलने शुरू हुए तो उस वक्त आपने क्यों प्रयास नहीं किया कि ये लोगों को यहीं पर सुरक्षा दे दी जाए और ये वहाँ से उनका पलायन ना हो, बल्कि आपने ऐसी सुविधाएं उनको उस वक्त दी बसों की टैक्सियों की ताकि वो वहाँ से जान बचा करके श्रीनगर सिटी से वो आ सकें जम्मू वापस। तो उन्होंने मुझे उस समय बताया था, कहते थे जो हमारे पास उसका सूचना थी वो ये थी कि पाकिस्तान की ISI ने पूरी योजना बना रखी थी, वहाँ के लोकल जो उस वक्त आतंकवादी संगठन थे उनके साथ JKLF वगैरह उस वक्त जो सारे संगठन उस वक्त सक्रिय थे उनके साथ में कि हिंदुओं का मास मर्डर वहाँ पर जो है वो जीनोसाइड हिंदुओं का वहाँ पर होगा और हिंदू जो 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 वहाँ पर रहते थे मेरे कश्मीरी भाई जो वहाँ से निकले उनको मालूम है श्रीनगर सिटी के बीच में वो एक प्रकार से वो उनकी जो बस्तियाँ थी वो बस्तियां चारों बाकी सब साइड से तो दूसरे लोगों से भरी हुई थी। जाबा गदल में अगर हिंदू आबादी थी तो आसपास में मुस्लिम आबादी थी। आई रैनावाड़ी में मेरा कश्मीरी हिंदू भाई रहता था, आसपास फिर उसके जो थे वो लोग थे जो JKLF से प्रभावित थे। आई वजीरबाग में
अगर कोई मेरा हिंदू भाई था तो आसपास में उसमें उसकी आबादी भी वही थी, या श्रीनगर शहर से हट करके बाहर आते हैं तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा है, अनंतनाग है, बारामूला है, बारामूला के अंदर सोपुर वगैरह के जो क्षेत्र आते हैं, ये सब जगह के ऊपर जो थे, अगर एक आध गांव में 10-20 घर हिंदुओं के हैं तो बाकी के घर दूसरे लोगों के थे। मैं ये नहीं कहता वो सब के सब जो थे वो उनके हिंदुओं के विरोधी थे, लेकिन ये बात मैं आज जो है, क्योंकि सत्य है और सत्य कहने से बिल्कुल भी आदमी को चूकना नहीं चाहिए, मैं कहूंगा कि यदि उस गांव में 100 घर थे, 5 घर मेरे हिंदू भाई के थे, और हो सकता है 5-10 घर ऐसे भी हो जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की या हुर्रियत वालों से प्रभावित हो, तो बाकी के 80-90 घर वहां क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों हिम्मत नहीं दिखाई आज वहां जाकर के उन पंडितों को कह सके कि देखिए आप जो है इस जगह के भूमि पुत्र हैं, आपकी सुरक्षा जो है वो करना हमारा फर्ज है, आप यहाँ रहिए, आप छोड़ के मत जाइए। लेकिन वस्तु स्थिति ये थी कि उनको वहां से किसी ने भरोसा नहीं दिया कि नहीं आप रही, आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लेते हैं, और अंततोगत्वा गवर्नर साहब को जो जगमोहन जी हैं उनको भी ये बात का जो है वो इंतजाम करना पड़ा कि यहाँ पर कोई नरसंहार ना हो जाए और वो सब लोगों को जम्मू भेजने की उनको सुविधाएं करनी पड़ी। ये उस वक्त वहाँ की वस्तु स्थिति थी। ये मैं बात जो आने वाली जब ये फिल्म रिलीज होगी कश्मीर फाइल, जिसके बारे में मुख्य रूप से मैं चर्चा कर रहा हूँ, उसमें सारी बातें हमको देखने मिलेंगी, लेकिन पृष्ठभूमि और कुछ मेरे जो व्यक्तिगत जिन लोगों के साथ में मेरी बात हुई है, जगमोहन जी के साथ में इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, तो उन्होंने इस बात के ऊपर बताया, और पाकिस्तान की भूमिका बारे में भी उनको उस वक्त पूरी सूचना थी। 1989 में कश्मीर में जब ये आतंकवाद का दौर शुरू हुआ, जिसको पाकिस्तान ने ऑपरेशन टोपैक कहा, उसकी पृष्ठभूमि भी ये थी कि अफगानिस्तान में उस वक्त जब सोवियत रशिया 1979 में आकर बैठा था, 1989 आने तक वो वहां से जा चुका था, और इन ISI के वहां पर जो लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको इस बात का एक गुमान हो गया, एक मुगालता हो गया, एक डिल्यूजन हो गया कि शायद उन्होंने वहां से सोवियत रशिया को निकलवाया है, जबकि वस्तु स्थिति ये थी कि अमेरिका ने जो पैसा हथियार वहां पर मुजाहिदीन को लड़ने के लिए भेजा था, उससे लड़ते लड़ते सोवियत रशिया थक गया और वहां से वापस चला गया। इस गलतफहमी के चलते चलते कि शायद अफगानिस्तान में वो फातिहा हो गए हैं, वो गाजी हो गए हैं, तो वही फतेह कश्मीर में हासिल करने के लिए इन्होंने वहां पर ऑपरेशन टोपैक शुरू किया था, और वो ऑपरेशन टोपैक का ही अंग था कि 1989 के अंत आते आते तक श्रीनगर शहर की मस्जिदों से ये जो है वो अनाउंसमेंट्स हों कि हिंदुओं तुम यहाँ चले जाओ और अपनी औरतों को यहाँ पर छोड़ जाओ, और कश्मीर में कश्मीरी भाषा में जैसे कहा करते हैं कि रलियो मिलियो गलियो, कि या तो हमारे में मिल जाओ या चले जाओ, या मरने को तैयार हो जाओ तो या तो मुसलमान बन जाओ। यार ये कोई मुगलों का समय है कि जब कह दिया गया था वहां पर इफ्तिखार खान के द्वारा पंडित कृपा राम को कि तुम वहां जो थोड़े बहुत घर बच गए हो मुसलमान बन जाओ, है गुरु तेग बहादुर जी के शरण में वो आए थे, तो इनको एक संदेश जाना चाहिए कि गुरु तेग बहादुर जी के शिष्य आज भारत में करोड़ों के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, ना उन्होंने वहां पर कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान बनने दिया था, ना आज बनना जाएगा, बल्कि जो कश्मीर में अत्याचार हुआ था आज उसकी जो है वो अत्याचार जो है उसकी समाप्ति का और दूसरा रिवर्सल जो प्रोसेस है वो 370 जो है वहां पर टूटी उससे शुरू हो चुका है, और वापिस से कश्मीर जो अपने पूर्वजों की 10,000 साल पुरानी संस्कृति है उसको वापिस से वो ग्रहण करेगा, और ये जो जिहाद का कार्यक्रम था वो वेस्ट एशिया से चलते चलते आज कश्मीर में आकर रुक गया था, और कश्मीर से ही रिवर्स होगा, ये बात जो है इस बात की गवाही भविष्य देगा। और मैं वापिस से सब मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को, भाई बहनों को आग्रह करता हूं कि ये कश्मीर फाइल जो है ये फिल्म जरूर देखें, और बहुत करारा थप्पड़ उन लोगों के मुंह पे मारे जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं फिल्म के रिलीज होने से पहले। धन्यवाद।
हाँ जी हरदीप जी,